सो ये व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू नैदन वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में। जी हाँ गाइज, यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैसे होता है, और ख़ास तौर से आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि आप आवेदन कर चुके हैं और आप स्लॉट बुक नहीं किए हैं, यानी किस डेट को आपको अपने RTO ऑफिस पर जाना है और डेट नहीं बुक किए हैं, तो उस डेट को कैसे बुक करें। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इस स्लॉट को कैसे बुक किया जाता है। तो गाइज, बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजबल है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिए और आप अपना स्लॉट बुक करना जान जाएंगे। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑनलाइन से लेकर के यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो गाइज, ज़्यादा लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यदि आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और स्लॉट बुक नहीं किए हैं, तो स्लॉट बुक करने के लिए आपको उसी वेबसाइट पे, जैसे है कि sarthi.parivahan.gov.in, यहाँ पे लिखा है गाइज, आप ब्राउज़र में जाके सर्च करेंगे तो आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे सिलेक्ट स्टेट नेम लिखा हुआ है, आप इस सिलेक्ट स्टेट नेम पर सिलेक्ट करेंगे आपका जो स्टेट होगा, आप जिस भी स्टेट के होंगे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद गाइज, आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने ढेर सारी मेनू आएंगी। यहाँ पे गाइज, पहला नंबर पे है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यानी कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर जो है कि क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आप लर्नर लाइसेंस कर चुके हैं आवेदन, तो जब आपके पास लर्नर लाइसेंस मिल चुका है उसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि गाइज, यहाँ ये जो है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार का ये वेबसाइट है सारथी परिवहन का, जिसमें आपको ढेर सारी मेनू है, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट DL, अपडेट मोबाइल नंबर, प्रिंट एप्लीकेशन। तो गाइज, यदि आप अपना आवेदन कर चुके हैं तो यहाँ पे कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, यदि कुछ आवेदन बाकी रह गया है जैसे स्लॉट बुक करना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। तो गाइज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आगे ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें आपका मांगेगा है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद नीचे यहाँ कैप्चा फिल करके सबमिट कर दीजिए। तो गाइज, जब आप आवेदन किए होंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो गाइज, जब आप इसको सब यहाँ पे फिल कर देंगे, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो गाइज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप लिखेंगे नहीं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस पर सन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ, इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। चलिए हम सबमिट क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। गाइज, आपका जिनका भी DL रहेगा उनका यहाँ पे इमेज शो करेगा, और नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है कि लिखा है, पहला जो है कि फिल एप्लीकेशन DL, अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरा है फी पेमेंट, चौथा है DL स्लॉट बुक। यानी गाइज, आपका जो है कि यहाँ पे देखिए तीन कंप्लीट दिखा रहा है, चौथा यानी कि स्लॉट बुक टू बी डन बाई दी एप्लीकेशन, यानी कि ये भी अधूरा है, इसके लिए आपको प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। चलिए हम प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। तो गाइज, प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। स्लॉट बुक करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, आप जो भी फिल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन नंबर या लर्नर लाइसेंस नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, यहाँ पर जो है कि डेट ऑफ बर्थ डालिए, नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड डालिए। चलिए मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। तो गाइज, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका डिटेल दिया रहेगा, यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम दिया रहेगा। नीचे आएंगे आप तो ये जो सिलेक्ट करने के लिए है, यानी मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि दोनों पर आप टिक कर दीजिए। गाइज, इस पर चेक करने के बाद प्रोसेस टू बुक पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसेस टू बुक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्लॉट खुल जाएगा। यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
जो ये ग्रीन कलर का है स्लॉट अवेलेबल, यानी जो ग्रीन कलर का डेट होगा वो इस जो है कि स्लॉट अवेलेबल होगा, और जो रेड कलर में है नॉन स्लॉट अवेलेबल, और जो ये ब्लू कलर का है हॉलीडे है, ये जो ब्लैक कलर का है प्रीवियस फ्यूचर। यानी गाइज आपको इस जो है कि ग्रीन वाले पर ही क्लिक करना है। तो ग्रीन वाला डेट आपको देखना है, इस डेट में आएंगे तो यहाँ पे आपको मंथ दिखाई देगा, यानी किस मंथ में आप करना चाहते हैं, अगर इस महीने में इस साल में करना चाहते हैं या नहीं तो नेक्स्ट करना चाहते हैं तो नए मंथ में चले जाएंगे। तो गाइज इसके बाद आपको जो हरा कलर है यहाँ पे उस पर सिलेक्ट करना होगा। तो गाइज इस पर जो है कि क्लिक करेंगे तो गाइज जितना भी ये हरा कलर दिखा रहा है ये सब अवेलेबल है, आप जिस डेट को बुक करना चाहते हैं उस डेट को बुक कर लीजिए, उस पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं एक डेट 19 तारीख को यानी कि बुधवार को इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे गाइज इसके बाद सामने बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसके सामने यहाँ पे टाइमिंग दिया रहेगा कि आप कितने बजे उपलब्ध हो जाएंगे आरटीओ ऑफिस पे। तो गाइज इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ 10 तारीख को 17 सीट है, 12:30 पर उसी डेट को 12:30 बजे 16 है, 15 बजे 18 है, तो आप जिस टाइम वहाँ पहुँच जाएँ उस टाइम पे बस इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं 12:30 से 14:30 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद स्लॉट बुक पर क्लिक करेंगे। स्लॉट बुक पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल ईमेल, तो मोबाइल पे टिक रहेगा तो मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे फिल करना होगा। यदि ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ से रीसेंड कर सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, हम यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे ओटीपी अपना फिल करते हैं गाइस। फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, कंफर्म करने के लिए कंफर्म टू स्लॉट बुक इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद खुलेगा आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डियर, नाम लिखा हुआ है थैंक यू यूजिंग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग फैसिलिटी। यहाँ पे आपका स्लॉट डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपका पूरा डिटेल इस पर प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो गाइज ये जो स्लॉट बुक होगा ये आपका जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग स्किल टेस्ट, यानी कि इस डेट को आपका वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा कि आप ड्राइविंग जानते हैं कि नहीं। तो गाइज आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो में मैं नया नॉलेज जो भी वीडियो डालूँ उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो वह चलते हैं फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।